पॉलिटिकल प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है और ये पहले भी हुआ है, उसके अच्छे फायदे हुए हैं और अब फिर दोबारा शुरू हो रहा है। और जो अपॉइंट किया गया है इंटरलॉक्यूटर, जो हमारी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छे इंसान है, मैन विद ह्यूज क्रेडिबिलिटी उनकी अपनी है और वो पहले भी कई डायलॉग्स में उन्होंने मेरे ख्याल में नॉर्थ ईस्ट में वो इन्वॉल्व रहे हैं और वहां उन्होंने अच्छा काम किया है। तो हमें उम्मीद है कि यहां भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी हैं, क्योंकि इसमें देयर आर नो बार्स, देयर आर नो कंडीशंस कि सब दोनों तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो यहां स्टेक होल्डर्स हैं कि वो इस मौके का फायदा उठा के दे विल ऑल्सो यू नो कॉन्ट्रीब्यूट, इस डायलॉग प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम जम्मू कश्मीर को जो मुश्किल में है, मुसीबत में है, रोज लोग मरते हैं, वायलेंस होता है, खून खराबा होता है, कि इस वायलेंस से जम्मू कश्मीर बाहर निकल आए और एक अच्छा जो है वातावरण बने। तो मुझे यही उम्मीद है और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत शुक्रगुजार हूं, प्राइम मिनिस्टर की हम बहुत शुक्रगुजार हैं, होम मिनिस्टर जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, जो बार बार जम्मू कश्मीर आते रहे और बहुत कोशिश की उन्होंने कि यहां कोई ना कोई जो है एक अच्छा वातावरण बने बातचीत के लिए, डायलॉग के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए अच्छे हालात बने। तो आज मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली समथिंग हैज स्टार्टेड एंड वी आर होपफुल कि जो इस वक्त का जो माहौल है इसमें लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर हो जाएगा, इट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और इसकी एक अच्छी स्टार्ट है और जरूरी शुरुआत, इट्स अ गुड स्टार्ट एंड इट्स अ नेसेसिटी ऑफ द टाइम।